इंतखाबात तब ही होंगे जब मैं चाहूँ। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्की मईशत संभाल कर ज़र मुबादला ज़खायर 100 अरब डॉलर तक ले जाऊँगा। फौज का बड़ा खर्च नहीं खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। बिलावल हाउस लाहौर में सेंट्रल पंजाब के उम्मीदवारों से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के रोज़े और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। इत्तेहाद उम्मत और मुल्की खुशहाली के लिए दुआ। बिलावल भुट्टो की इराकी हम मनसब पार्लियामानी स्पीकर हिकमत पार्टी के सदर और इस्लामी सुप्रीम कौंसिल के सरबराह से भी मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा ने बगदाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने का संग बुनियाद रख दिया। यार मैं शेख रशीद तो होने के पेशन गोई कर दूँ कि हाँ मैं ही हूँ, ना मैं नईम रहमान कह दूँ हाँ मैं ही हूँ। मैं तो खुदा की कसम शेरवानी भी नहीं सिल पाया। हाँ फैसला भी नहीं किया कि शेरवानी पहनूंगा या सूट पहनूंगा, इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा या इस तरह तस्वीर खिंचवाऊंगा, मैंने फैसला नहीं किया। ये जो खुदादाद सलाहियत है ये तो नईम रहमान साहब के पास है। मेरी सियासी जमात के पास 155 नशिस्तें हैं, हाफिज नईम रहमान के पास 130 है। वो रोज कहते हैं कि मेयर तो मैं ही हूँ, कोई उनसे नहीं पूछता अगर मगर। हाफिज नईम की खुदादाद सलाहियत, मुर्तजा वहाब का तंज। जमात इस्लामी ने कराची में पावर शो किया। पीटीआई के 8 या 9 अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। दूध की नहरें बहाने का दावा नहीं करता, शहर में काम होता नजर आएगा। नामजद मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ कराची की पेशकश। हम अब धरनों की सियासत से, एहतजाज की सियासत से, इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकले और एक चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें। yes. कि ये हमारा कराची है, इसके बसने वाले शहरी हमारे हैं, किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा 4 साल में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन हाँ लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा, लोगों को बेहतरी नजर आएगी और मैं समझता हूँ वो बेहतरी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम दो तरह के इकदाम उठाएँ, एक एनर्जी की कंजर्वेशन करें और इसके लिए आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए, इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। 1 जुलाई से रात 8 बजे बाजार और दुकानें बंद कराने का फैसला। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने तवानाई बजट मंसूबे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फीन की तलब पूरी करने के लिए इकदाम। वज़ीरे आला ने भी तायीद कर दी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। ताजरों ने वफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। दुकानें 8 बजे बंद कराने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। गर्मी में खरीदारी सिर्फ रात 8 से 11 बजे तक होती है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का मौके। महंगी बिजली से परेशान कराची वालों के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 1 यूनिट मजीद 1.55 रुपये महंगा कर दिया गया। अमीनुल हक की चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी से मुलाकात। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की शिकायत के बाद के इलेक्ट्रिक से मुतमईन नहीं। मुआहदे की तजदीद में अवामी तहफ़ुज़ात को अहमियत दी जानी चाहिए। वफाकी वजीर की गुफ्तगू। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त, मुआशी पॉलिसी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमात इस्लामी मामला पार्लियामेंट में उठाए। अदालत ने मामला मुतालिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी अदालती हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन कहते हैं इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है, पार्टी सरबराह से मुलाकात करके तफसीली बात करूंगा। कोई जमात, कोई ग्रुप, कोई जथा किसी रियासत के ऊपर हमलावर होके, सरकशी करके, बगावत करके, फितना फैला के जो है वो सियासत करने का हक नहीं रखता। सियासी जमातें जो है वो ऐसी चीज़ों में मुलव्वस नहीं होती और ये जथा और ये ग्रुप जो कि चंद 100 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, इसे किसी तौर पे इस मुल्क में सियासत करने का हक हासिल नहीं है।
रियासत पर हमले और बगावत में मुलव्वज़ गिरोह को सियासत का हक नहीं, वज़ीर दाखला ने बता दिया। 9 मई के वाकयात का हिसाब देना होगा, माफ़ नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्ला का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, इलेक्शन में अक्सरियत लेकर पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने का दावा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो है वो मेजॉरिटी से कामयाब होगी, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा कामयाब होगी। मैं आपको ये बता दूं कि 100+ सीटें जो है वो इंशाल्लाह पंजाब से PMLN की होंगी, और इंशाल्लाह जिसकी पंजाब से 100 से ज़्यादा सीटें हों, इंशाल्लाह मरकज़ में हुकूमत जो है वो उसी जमात की बनती है। कोयटा में सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज्जाक की टारगेट किलिंग, मकतूल चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पिटिशनर थे, कातिल 15 गोलियां मारकर फरार। वजीर आजम के मुआवन खसूसी अताउल्ला ताड़ा कहते हैं मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ होगा। नमक की आड़ में मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई, 26 किलो मुनशियात 500 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 जून तक नया शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं, कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार, नए बजट के अहदाफ पर इख्तलाफ। बहरा अरब में मुमकिन तूफान का अलर्ट जारी, हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया, कराची से फासला 1500 किलोमीटर, 24 घंटे में ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील होने का इम्कान। This is not our war. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. In the end, और हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का फाइनल ट्रेलर जारी, फिल्म 9 जून को बड़ी स्क्रीन की जीनत बनेगी।